आज हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल में खास क्या है, इसमें वीबी ही नहीं दिया है, मतलब हमें ब्लेड वेलोसिटी ही फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम। द स्टीम लीव्स द नोजल ऑफ अ सिंगल स्टेज इम्पल्स व्हील टर्बाइन एट 900 मीटर पर सेकेंड, यानी हमें V1 दे रखा है 900 मीटर पर सेकेंड, द नोजल एंगल इज 20 डिग्री और अल्फा दे रखा 20। द ब्लेड एंगल्स, ब्लेड एंगल्स मतलब क्या होता है कि किसी भी रिलेटिव कंपोनेंट जैसे कि VR1 VR2 हो गया और VB के बीच का एंगल होता है ब्लेड एंगल, ठीक है। और ये मतलब दोनों दे रखे 30। इसकी जगह मतलब क्वेश्चन में ऐसा ही बोल सकता है कि ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल, मतलब थीटा एंड फाई जो है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। और इसके बाद दे रखा है फ्रिक्शन फैक्टर इज 0.8, के इज इक्वल टू 0.8। तो मैं इस सारे डाटों को पहले एक बार लिख लेता हूँ। तो V1 दिया है 900 मीटर पर सेकंड, अल्फा दिया है 20 डिग्री। ये अल्फा मतलब क्या होता है, V1 और VB के बीच का एंगल। इसे थीटा दिया है 30 डिग्री, ये होता है VR1 और VB के बीच का एंगल। वैसे फाई, ये जो दोनों इक्वल दे रखे हैं सिमेट्रिकल ब्लेड इक्वल से, VR2 और VB के बीच का एंगल। और हमें दे रखा है फ्रिक्शन फैक्टर के इज इक्वल्स टू 0.8। अब देखो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हमें VB दे रखा होता है, फिर उसके उस हिसाब से हम स्केलिंग करते हैं, फिर हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं इनलेट आउटलेट। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रैंडमली किसी भी अननोन लेंथ का हम VB वेक्टर बनाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे हम इनलेट ट्रायंगल, फिर उस इनलेट ट्रायंगल में V1 की लेंथ मेजर करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे इस जो गिवन वैल्यू है उसके हिसाब से, और फिर बाद में स्केलिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले ये रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ। फिर इसके बाद हमें बनाना है इस पर VB, तो मैं ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का बना देता हूँ। ये हो गया हमारा VB। अब हम बनाएंगे इनलेट ट्रायंगल, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी जो रिलेटिव कंपोनेंट होते हैं वो जाकर टर्मिनेट होंगे इस VB वेक्टर के टेल में, और कोई भी जो एब्सोल्यूट कंपोनेंट होंगे जैसे V1 V2 वो जाकर टर्मिनेट होंगे VB वेक्टर के हेड पर, ठीक है। अब एट द इनलेट साइड हमें V1 और VB के बीच का एंगल दे रखा है 20, और VR1 और VB के बीच का एंगल दे रखा है 30, तो हम उसे ड्रॉ कर लेंगे। VR1 के लिए यहाँ से लेंगे 30 डिग्री, ऐसे मार्क करेंगे 30 डिग्री, और V1 के लिए जो अल्फा दिया है वो आएगा VB के हेड से 20 डिग्री, ठीक है। अब हम दोनों ने मार्क कर दिया, अब ये दोनों जॉइन करते हैं। और वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ये काफी। ऐसे दोनों को हम जॉइन कर देंगे, ठीक है, और ये यहाँ पर मेट कर रहा है। फिर इन दोनों को मेजर कर लेंगे कि कितने कितने सेंटीमीटर है। तो V1 आ रहा है 12 सेंटीमीटर और जो VR1 है वो है 8.3 लगभग, VR1 जो है 8.3 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे स्केलिंग। यहाँ से आया है कि V1 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और गिवन क्या है, V1 इज इक्वल्स टू 900 मीटर पर सेकेंड। तो ये 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, हो गया इतना, मैं कैलकुलेट करता हूँ।
तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हमारा जगह 75 मीटर पर सेकेंड। तो हमने स्टार्टिंग में ही जो वी बी लिया था मैंने वो 4 सेंटीमीटर लिया था, इसके हिसाब से वी बी कितना हो जाएगा हमारा, वी बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर इंटू 75। ठीक है, 300 मीटर पर सेकेंड। इस स्केलिंग के हिसाब से वी आर वन कितना होना चाहिए, यहाँ पर वी आर वन की लेंथ तो आ रही है 8.3, तो फिर वो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4। वी आर वन इज इक्वल्स टू 8.3 × 75, ये होगा 630 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा वी आर वन। अभी हमें पता है कि के जो होता है फ्रिक्शन फैक्टर वो क्या होता है, वी आर टू बाय वी आर वन, तो देयर फोर वी आर टू विल बी के टाइम्स वी आर वन। के दिया है 0.8 और वी आर वन आया है हमारा 630, वो होगा 504 मीटर पर सेकेंड। अब हम वी आर टू को डायग्राम पर प्लॉट करते हैं। अब हमें वी आर वन की लेंथ तो पता है, इसके हिसाब से हम वी आर टू भी ड्रॉ कर लेंगे। ये है, मैं नेमिंग कर लेता हूँ वी बी, वी आर वन और ये V1। तो हमने जो वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करी है VR2 की, एक्चुअल में हमें VR2 की लेंथ की ही ज़रूरत पड़ेगी ये डायग्राम बनाने के लिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि VR2 प्लॉट करने के लिए हमें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके लेंथ की ज़रूरत है स्केलिंग के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, वी आर टू इज इक्वल्स टू 0.8 × ये 8.3 वी आर वन, वो आ रहा है 6.64। तो अभी हम इतने लेंथ का एक आर्क लेंगे विद द रेडियस ऑफ 6.64 एंड एज अ सेंटर एज अ टेल ऑफ द वी बी, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी जो रिलेटिव कंपोनेंट होगा उसका टर्मिनेशन फाइनली वी बी के टेल पर ही होना है। ठीक है, तो ये विद रेडियस ऑफ 6.64 मैंने एक आर्क मार्क कर दी। तो अभी वी आर टू एज अ सेंटर, मतलब वी आर टू हमें इस आर्क पर ही मिलना है। ठीक है, और हमें उसका एंगल भी दे रखा है फाइ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर वी आर टू भी ड्रॉ कर लेंगे, अब ये मार्क कर लेंगे 30 डिग्री और फिर ज्वाइन कर देंगे। और फिर हमें जब वी आर टू मिल गया, मतलब इसी पॉइंट से होकर V2 भी मिल जाएगा, V2 जाएगा हेड में क्योंकि ये एब्सोल्यूट वेक्टर होता है। ठीक है, ये होगा V2 और ये वेक्टर होगा VR2। अब जब हमारे पास पूरा वेलोसिटी ट्रायंगल रेडी है तो हम एब्सोल्यूट के दोनों कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लो वेलोसिटी और वर्ल वेलोसिटी, उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेके।
ठीक है, ये होगा वी एफ वन, ये होगा वी एफ टू, मतलब ये लेंथ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वी डब्ल्यू वन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वी डब्ल्यू टू, और जो टोटल होता है डेल्टा, डेल्टा वी डब्ल्यू, वो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को मतलब माइनस करके, ये माइनस ये, पर जबकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए हम टोटल डेल्टा वी डब्ल्यू मेज़र कर लेते हैं यहाँ से, ये पूरी लेंथ होगी डेल्टा वी डब्ल्यू की, वो आ रही है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए डेल्टा वी डब्ल्यू क्या होगा, तो एक्चुअल में होता है डेल्टा वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू का साइन इसके अपोजिट होता है, इसलिए माइनस ऑफ डेल्टा वी डब्ल्यू टू, तो फिर ये हो जाएगा डेल्टा वी डब्ल्यू वन प्लस डेल्टा वी डब्ल्यू टू, और इसका मतलब लेंथ कितना आया है 13 इंटू, फिर उसका मतलब वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा जब हम स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ रहा है हमारा 975 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें पूछी थी, द ब्लेड वेलोसिटी वो आ गई है 300 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा पूछा था कि स्टीम फ्लो इन केजी पर आर इफ द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज 257 किलोवाट, ठीक है, तो पावर डेवलप दे रखी है हमें 257, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एम डॉट वी बी इंटू डेल्टा वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमें किलोवाट में पावर देगा, और हमें चाहिए ये, और इस फॉर्मूले से जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा केजी पर सेकंड में, लेकिन हमें पूछा गया है केजी पर आर में, ठीक है, तो अभी कैलकुलेट वैल्यू पुट करते हैं, 257 = एम डॉट इंटू वी बी, वी बी कितना आया है हमारा 300, और डेल्टा वी डब्ल्यू आया है 975, अपॉन 1000, तो ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा एम डॉट, वो है 0.878 केजी पर सेकेंड, अगर ये एक सेकेंड में इतना हो रहा है तो एक घंटे में कितना होगा, 0.878 इंटू 60 इंटू 60 वो आ रहा है 310.8 केजी पर आर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।